हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीटी स्टाइल 24 में आप सबका स्वागत है। मैं मीनाक्षी विश्वकर्मा आज फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। यहाँ लाई हूँ मैं टेस्टी टेस्टी बेसन के लड्डू, दिवाली स्पेशल बेसन के लड्डू। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। गैस पर एक पैन गर्म कर लेंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें देसी घी ऐड कर देंगे 2 स्पून। आप चाहें तो यहाँ रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब घी गर्म हो जाएगा तो मैं यहाँ पे 2 बाउल बेसन ले लूँगी। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है धीरे धीरे। स्पैचुला की हेल्प से हमें धीरे धीरे इसे 25 मिनट्स तक फ्राई करना है। दूसरी साइड में यहाँ शुगर ले लेती हूँ। 1.5 बाउल मैंने शुगर लिया है। कुछ इलायची के दाने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, इसे ग्राइंड कर लिए हैं। दूसरी साइड यहाँ पे हम अपना बेसन अच्छे से फ्राई कर लेते हैं कि इसके बेस में टच ना हो। इसे बहुत धीरे धीरे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये एकदम दानेदार हो जाएगा। देखिए कितना लुक वाइज अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट करती रहे। जो व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ चैनल को देख के, वीडियो को देख के मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसे चलाते चलाते फ्राई करते करते हैंड पेन होने लगता है, बट रुकेंगे नहीं। इसे कंटिन्यू स्पैचुला की हेल्प से हम इसे फ्राई करते रहेंगे। बहुत दानेदार हो गई और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। इसे 5 मिनट्स और फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये लगभग मेरा 25 मिनट्स भुंज गया है बेसन अच्छे से। अब इस स्पैचुला की हेल्प से इसे हम ठंडा कर लेते हैं और मैं इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है क्योंकि मुझे इसमें शुगर भी ऐड करनी है, तो थोड़ा सा वार्म होना चाहिए। इसे स्पैचुला के हेल्प से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे पिसा हुआ शुगर ऐड कर दूंगी मैं। आप चाहे तो यहाँ पे फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, येलो मैं स्किप कर रही हूँ। इसे दोनों हैंड की हेल्प से आपस में मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। इसे आपस में बहुत अच्छे से मिक्स करना है, फ्राई बेसन और शुगर। जो गांठ है उसको दोनों हाथों से प्रेस करके फोड़ लेंगे और सबको आपस में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे लड्डू बनेंगे। फिर भी मैं यहाँ पे देसी घी थोड़ा सा और ऐड करूँगी, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा देसी घी और लगेगा।
ये परफेक्ट रेडी हो गया है लड्डू बनने के लिए। अब इसके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, मुंह में घुल जाने वाले बेसन के लड्डू बनेंगे ये। अब मैं एक एक लड्डू बनाना शुरू करती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना लूँगी और ये बन के रेडी हो गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को अपडेट करती रहेगी और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।